हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट उसके बारे में। देखो कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। अब देखो कर्टियस रिएक्शन आपका होता क्या है बच्चों, काफी अच्छा रिएक्शन है कर्टियस रिएक्शन। अब देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, कर्टियस रिएक्शन में जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट आपका SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, सेकंड आपका NaN3 के साथ रिएक्शन करेगा, थर्ड आपका Ag2O या फिर आपके यहाँ पर H2O करता, ठीक है, इस तरीके से आपका रिएक्शन करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर पूछा जाने वाला। तो पहला स्टेप तो आप जानते हो, स्टेप वन में क्या होगा, RCOH आपका SOCl2 के साथ रिएक्शन करके OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा किसके अंदर बच्चों, Cl के अंदर। ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो RCOCl अब ये आपका रिएक्शन करेगा NaN3, तो NaN3 को मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ N3-। अब N3- मैंने कैसे लिखा, देखो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर प्लस, यहां पर ये, ठीक है, माइनस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजोइक, सोडियम हाइड्रोजोइक नाम है बच्चों इसका। तो देखो अब क्या करेगा बच्चों, यहां पर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर क्या आएगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर जाएगा, तो RCO-Cl और यहां पर N डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N-। अब नेक्स्ट स्टेप में ये नीचे जाएगा, यहां से Cl आपका बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, RCON डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N-। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। थोड़ा सा ध्यान से धीरे धीरे देखो बच्चों, ठीक है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, जो इसके पास जो माइनस चार्ज है वो आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर जल्दी से देख लो बच्चों, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, RCO- डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N प्लस। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। देखो मैंने आपको बताया था वुल्फ रीअरेंजमेंट, अब ये मॉलिक्यूल आपका यहाँ रीअरेंज हो जाएगा, तो आपका स्टेप थर्ड के लिए आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो CO डबल बॉन्ड N और यहां पर R। नाउ नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, अगर मैंने रिएक्शन Ag2O और H2O के साथ कराया, तो यहां पर OH आपका अटैक करेगा और H+ भी आपका आएगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देखो यहां पर आपका OH आपका अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे, OH आपका कहां अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे, और H+ आपका कहां अटैक करेगा बच्चों, नाइट्रोजन सेंटर पे, तो आपका क्या बन जाएगा NHR। सिमिलर रिएक्शन अगर मैंने NH3 के साथ करा दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, NH3 के साथ करा दिया, तो क्या होगा, NH2 आपका यहाँ अटैक करेगा, H+ आपका यहाँ अटैक करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, अमाइड ग्रुप बन जाएगा। इस टाइप का मैंने रिएक्शन आपको बताया था बच्चों अर्नल्ड एस्टर में, सिमिलर अगर आप उसी का रिविजन करते हुए अगर इसको आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड में क्या होगा, OH आपका यहाँ अटैक करेगा और R आपका यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो R डैश और यहां पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। सिमिलर क्या होगा, अर्नल्ड एस्टर्ड और कर्टियस में क्या अंतर है, कर्टियस में नाइट्रोजन आ जाता है और अर्नल्ड एस्टर्ड में एक कार्बन होता है, यहां पर बताया था बच्चों मैंने एक कार्बन होता है यहां पर। तो अर्नल्ड एस्टर और कर्टियस का सिंपल सा फंडा है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। देखो ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, यहां पर ये मैंने यहां पर देखते हैं CH3COOH, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो अर्नल्ड एस्टर में यहां पर आपका CH2 आ जाएगा, अर्नल्ड एस्टर में आपका यहां पर CH2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिमिलर अगर मैंने कर्टियस रिएक्शन कराया, तो इस पॉइंट पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, NHCOOH, बस इतना सा अंतर होता है अर्नल्ड एस्टर और कर्टियस में। थोड़ा सा डिफरेंस करते हुए समझोगे तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में
आ जाएगा। नाउ अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो बच्चों अब हम समझते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो अब इस रिएक्शन को हम किस तरीके से डील करेंगे बच्चों, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आर सी ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ कराया बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने यहां पर एनएच थ्री के साथ कराया, सेकंड मैंने एन ए ओ एच और बी आर टू के साथ। ठीक है, यहां पर हीट किया, यहां पर भी हीट किया, हीट करने पर आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, अमाइन बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? अमाइन। और साइड प्रोडक्ट के बारे में हम मैकेनिज्म में समझते हैं बच्चों, किस तरीके से आपका साइड प्रोडक्ट होगा, देखते हैं एक एक करके ध्यान से। यहां पर के ओ एच भी हो सकता है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप वन। बच्चों स्टेप वन से तो आप काफी जान पहचान हो चुकी होगी, ये मैंने पढ़ाया था, अब ये थोड़ी कल ही मैंने पढ़ाया था। देखो इसका रिएक्शन अगर इसके साथ कराएंगे तो ये आपका हो जाता है बेस और ये आपका हो जाता है एसिड, तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा? अमोनियम सॉल्ट। नाउ अगर मैं इसको अब मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा बच्चों, हीट करूंगा तो यहां पर अमाइड बन जाएगा। जनरली जो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है वो एक्चुअली आपका अमाइड का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है बच्चों? अमाइड का। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर स्टेप टू, स्टेप टू से आपका क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं बच्चों, तो ये आपका जनरली अमाइड का रिएक्शन है। अब देखो अमाइड का रिएक्शन होगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पर, सबसे पहले ये यहाँ पर आपका NaOH और HBr, NaOH और Br2 के साथ अटैक करेगा, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके यहाँ पर आपका क्या बना लेगा, NaOBr बना लेगा साथ में। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके NHBr बना लेगा, सबसे पहला काम ये हो गया। नाउ अब सेकंड स्टेप में NaOBr के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो ये वाला HBr मॉलिक्यूल आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड बचेगा, नाइट्रिन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नाइट्रिन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है बच्चों जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, नाइट्रिन को एक बार पढ़ लेना बच्चों वहीं पर। ठीक है, फिर से अब देखो ये नीचे जाएगा, ये यहां जाएगा, तो अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड एन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये नीचे जाएगा, फिर से आपका रीअरेंज होके ये यहां जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, स्टेप थर्ड के लिए प्रोडक्ट बन गया। अब देखो स्टेप थर्ड में आपका क्या होगा बच्चों, काफी इजी है। देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ एन आर। अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन, देखो इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के प्रेजेंस में, केवल हॉफमैन ब्रोमाइड है ना, तो इसमें इसी तरीके से इसकी रिएक्शन मैंने इस तरीके से Br2 के साथ करा दिया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका NaOH और H2O के साथ, तो OH आपका यहां चला जाएगा। ठीक है, और आपका यहां पर H आपका यहां चला जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, COOH और यहां पर NHR। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टूटेगा और यहां से ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा, और साथ में आपका यहां से CO2 रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? CO2। CO2 फर्दर आपका NaOH के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना सकता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया, CO2 आपका NaOH के साथ मिलके यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना सकता है, इस तरीके से भी हम रिएक्शन को बोल सकते हैं बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं बच्चों इसके टेस्ट पे। तो टेस्ट ऑफ एसिड देखते हैं बच्चों एक एक करके। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखो फर्स्ट इट कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस
विद रिएक्शन एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। देखो कैसे बच्चों, ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला सेंटर होता है ना बच्चों, आर सी ओ ओ एच, ठीक है। अगर ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बना लेगा, आर सी ओ ओ माइनस एन ए प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से मैं एक और रिएक्शन लिख सकता हूँ, एक और रिएक्शन लिख सकता हूँ, कैसे, ओ एच की रिएक्शन एक्टिव मेटल पोटेशियम के साथ करा दिया तो आर सी ओ ओ माइनस के प्लस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। काफी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, आपको एच हटाना है और वहां पर हाइड्रोजन गैस लगाना है। सेकेंड, ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है। अब सेकेंड सेकेंड, अमंग ऑल एसिड एसिड ओनली फॉर्मिक एसिड, ओनली फॉर्मिक एसिड कंटेन कंटेन दिस फ्रेगमेंट। इस टाइप का फ्रेगमेंट रखता है, फ्रेगमेंट जो कि आपके किसको बताता है, एल्डिहाइड को, जो कि आपके किसको बताता है, एल्डिहाइड ग्रुप को। तो इसका मतलब एल्डिहाइड आपका कौन कौन सा टेस्ट देगा, अगर आपका फॉर्मिक एसिड होगा तो फॉर्मिक एसिड आपका टोलेंट टेस्ट भी दे सकता है। कौन सा टेस्ट बच्चों, टोलेंस रिएजेंट के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो एजी सिल्वर मिरर आपका निकालेगा, ठीक है बच्चों, ये भी टेस्ट देगा, तो इसके लिए पॉजिटिव टेस्ट होगा। नाउ अगर मैंने बोला फेलिंग या फिर बेनेडिक्ट, फेलिंग या फिर मैंने आपको बोला यहाँ पर बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट, तो दोनों आपके क्या देंगे बच्चों, बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे पॉजिटिव, ठीक है। क्या करेगा बच्चों, CU2O, CU2O मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, +1 होता है। और यहाँ पर रेड कलर, पीपीटी रेड ब्रिक कलर का आपका प्रिसिपिटेट निकालेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसके कुछ टेस्ट भी है बच्चों, जो केवल और केवल कहाँ लगेंगे, ओनली फॉर फॉर्मिक एसिड। ये केवल और केवल किसके लिए बच्चों, ओनली फॉर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के लिए ही है बच्चों ये आपका, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर टेस्ट खत्म करते हुए अब थोड़ा इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो देखते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं बच्चों। जनरली जनरली प्रेजेंट प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म, ये आपका डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे ही मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस होने की वजह से ही आपका डाइमर फॉर्म होता है। सिमिलर यही कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ, सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बच्चों, वहां पर सर आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाएंगे ना, तो वहीं पर आपको ये वाला समझ में आएगा, इससे हम वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। सेकंड, इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास भी, एबनॉर्मल मोलर मास भी, क्योंकि डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो मोलर मास है वो 2 टाइम्स ग्रेटर होता है। क्यों, क्योंकि ये आपका डाइमर फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास की कैरेक्टर भी यहीं पर शो करता है, एबनॉर्मल मोलर मास की कैरेक्टर भी आपको शो करेगा, जो कि आपको फिजिकल में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में होता है तो 2 टाइम्स आपका इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। नाउ सेकंड, जनरली जनरली हायर मॉलिक्यूलर एसिड इनसॉल्युबल इन वाटर,
इनसॉल्युबल इन वॉटर, जनरली वैसे सोल्यूबल होता है लेकिन लेस सोल्यूबल होगा बच्चों, मिसेसिबल होगा इन वॉटर, मतलब लेस सोल्यूबल इन वॉटर। तो यहां पर एक और टर्म में लिख सकता हूँ लेस सोल्यूबल, ठीक है, ये भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एंड लोअर मोलिकुलर एसिड, लोअर मोलिकुलर एसिड आर सोल्यूबल इन वॉटर, वॉटर में आपका सोल्यूबल होता है। देखो किस तरीके से, देखो मैंने आपको बताया था आर सी ओ ओ एच आपका दो टाइप का फ्रेगमेंट रखता है, एक आपका रखेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि आपके सोल्यूबिलिटी को क्या कर देगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, इसीलिए मोलिकुलर मास बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। और एक ये होता है जो क्या होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अब देखो हाइड्रोफिलिक पार्ट में क्या होगा बच्चों, जनरली ये आपका क्या होगा सोल्यूबल होगा, इसका सोल्यूबिलिटी, इसकी सोल्यूबिलिटी आपकी क्या होती है बच्चों इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट की वजह से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी और हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी। जैसे ही मोलिकुलर मास बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ अगर मैं बात करूं अब बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं बच्चों थर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो आप लोग जानते हो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जी, जनरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऑर्डर, तो एसिड का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका एल्कोहल, एल्कोहल के बाद आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन आप इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर आपका क्या आएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि बच्चों मोलिकुलर मास वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये तो मैंने आपको बताया मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आई होप सो कि ये सारा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यहां पर हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म कर लिया, और एल्डिहाइड और कीटोन में केवल एक ही चीज देखने लायक थी, केवल बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए मैंने एल्डिहाइड कीटोन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहां लिया, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना इसका एसिडिक कैरेक्टर आपको जीओसी के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। जीओसी के अकॉर्डिंग आप इसमें एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको जीओसी के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑर्थो पैरा इफेक्ट भी पढ़ना है बच्चों, और साथ में एसआईआर इफेक्ट भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, काफी इजी है। सो थैंक यू सो मच।